साथियों नमस्कार। जिस तरह से आप लगातार देख रहे हैं भीमराज दस्तक चैनल पर ग्राउंड रिपोर्ट, हर विधानसभा पर हम विधानसभा पर जा रहे हैं और ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। तो हमारे साथ में इस समय मौजूद हैं पासी समाज से श्रीनाथ पासी जी। हम इस समय मौजूद हैं विधानसभा बाबागंज में और यहाँ से प्रत्याशी जो है बहुजन समाज पार्टी के सुशील गौतम जी हैं, सुरक्षित सीट है। और जो है समाजवादी पार्टी से गिरीश पासी जी भी हैं प्रत्याशी। तो हम बात करेंगे कि पासी समाज किधर जाएगा, गिरीश पासी जी के साथ जाएगा या सुशील गौतम जी के साथ में जाएगा, तो क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं अपने मीडिया के हमारे साथियों को मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। और साथ में मैं पासी समाज की जहां बात है, अधिकतर पासी जो देखने को मिल रहा है वो बहुजन समाज पार्टी में जाएगा। और जो पासी के नाम पे कैंडिडेट पे क्या कहते हैं, ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पासी को दे देगा या बीजेपी दे देगी या अदर कांग्रेस दे देगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। माननीय बहन जी के शासनकाल को देखते हुए शिक्षा शोषण अत्याचार और जो भी जमीनी स्तर पे ग्राम सभा में क्या कहते हैं, जैसे कि गरीबों को पट्टा देने का कार्य माननीय बहन जी ने किया, आंगनबाड़ी से लेकर स्कूल से लेकर इंजीनियरिंग कॉलेज पॉलिटेक्निक कॉलेज बहुत सारे चीज़ों में माननीय बहन जी ने खरा उतरने का काम किया है, उनके कार्यकर्ता उतरने का काम किए हैं कि जमीनी स्तर पर कार्य किए हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन क्या कहते पासी अधिकतर यहाँ पर अब कि सुशील भाई के साथ में और बहुजन समाज पार्टी के साथ में वोटिंग करेगा और सुशील भाई यहाँ से जीत कर क्या कहते हैं घोषित होकर जाएंगे। सोशल मीडिया पर और जमीन पर हवा बनाई जाती है जी पासी समाज जो है समाजवादी पार्टी के साथ जी हाँ। इसमें ऐसा है कि जो दिखाया जा रहा है वो कुछ मीडिया के हमारे जो चैनल वाले हैं वो गलत तरीके से क्या कहते हैं उनको बताकर या कैसे भी करके इस तरीके से बताया जा रहा है। जहाँ तक मैं पासी समाज सेवा कल्याण समिति उत्तर प्रदेश संगठन का व्यक्ति हूँ, अध्यक्ष हूँ और मैं सभी लोगों से बात करता हूँ, हर जगह बात कर रहा हूँ, जिससे अधिकतर पासी समाज जो है बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ करके कंधे से कंधा मिला करके हर विधानसभा में जीत हासिल करेगा। और हो सकता है 350 सीटें माननीय बहन जी के खाते में उत्तर प्रदेश की अब की पांचवी बार मुख्यमंत्री माननीय बहन जी बनेंगी। कुछ लोग नाराज़ हैं, सोशल मीडिया पर डायरेक्ट लिखते हैं अब की बार जो है पासी जो है समाजवादी की पार्टी के साथ में है, बहुजन समाज पार्टी से क्यों नाराज़ है? वो नाराज़ नहीं है, बल्कि उन्हें अभी किसी प्रकार का वो ज्ञान नहीं है। जो महाराजा बिजली पासी ये दुनिया भर के सिस्टम नए युवा ला के पैदा कर दिए हैं, तो उससे क्या कहते हैं जिसमें कि माननीय बहन जी ने लखनऊ में ही किले पर मैं खुद गया था, जब मैं मुझे पता चला कि माननीय बहन जी ने कुछ नहीं किया, मैंने प्रतिमा के उसमें देखा कि माननीय बहन जी का क्या कहते वो सिंबल लगा हुआ है जो मूर्ति रखवाने का कार्य किए हैं। तो इसलिए क्या कहते कुछ जिनको ज्ञान नहीं है तो सोशल मीडिया या लखनऊ नहीं जा रहे हैं, उन लोगों में ऐसा है रुझान कि माननीय बहन जी ने पासियों के लिए कुछ नहीं किया है। पासियों के लिए नहीं बल्कि सर्व समाज के हर गरीब तबके के लिए किया है। अगर कोई अत्याचार या शोषण समाज के साथ करता है तो उसको सख्ती से सख्ती कार्यवाही बहुजन समाज पार्टी जब उभर कर आती है या सरकार बनी रहती है तो कार्यकर्ता के रूप में जो लगे रहते हैं वो बिल्कुल क्या कहते हैं चूकते नहीं हैं, उनको वही जो जगह उनकी होती वहीं पर पहुंचा दिया जाता है। पासी जो है अखिलेश यादव जी के समर्थन में हैं फिलहाल, और जो है समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह की बहू जो है अपर्णा यादव जी वो भाजपा ज्वाइन कर लेंगे जी, क्या कहेंगे? वो तो समाजवादी पार्टी नहीं संभाल जी, समाजवादी पार्टी संभाल नहीं पा रहे हैं, बल्कि क्या कहते हैं समाजवादी पार्टी में इतना बिखराव है कि जिससे कि क्या कहते हैं जब वो अपने घर को नहीं बचा सकते हैं तो दूसरे के घर में या दूसरे समाज में वो बिल्कुल नहीं बचा सकते हैं, केवल उन्हें उनके समाज का ही वोट कुछ मिलेगा, कुछ परसेंटेज मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा। आप किस समाज से हैं? सर मैं पासी समाज से हूँ, मैं प्रेमचंद्र पासी। यहाँ पे जो है प्रत्याशी गिरीश पासी जी भी हैं समाजवादी पार्टी से, आप किसको वोट देंगे? जी सर ऐसा है, गिरीश पासी हो या कोई पासी हो, जो बहन जी के लेवल पे अखिलेश जी ना खड़े उतर सकते हैं और ना गिरीश पासी खड़े उतर सकते हैं। गिरीश पासी पीछे भी चुनाव लड़े हैं, यहाँ पे चुनाव लड़ने के बाद वो सीधा जाके अपने बैठ जाते हैं सिराथू या कौसाम्बी में, और यहाँ पे लोग धक्के खाते रहते हैं, जो और पार्टियों के लोग हैं जो दबंग टाइप के हैं वो उनको 5 साल तक शोषण करते हैं। तो गिरीश पासी बाहर का व्यक्ति है, उसको वोट पासी समाज बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि हमारे सुशील भाई यहाँ से लोकल प्रत्याशी हैं
और हम लोग लोकल में ही रहेंगे। हम प्रयास करेंगे, हमारे जितने भी रिलेशन के हैं, पासी समाज के लोग हैं, हम उनको बहुजन समाज पार्टी में आगे भी वोट देते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पासी समाज BSP को वोट नहीं देता है। तो थोड़ा सा क्या है कि लोग यहाँ नैरेटिव एक भ्रम फैलाते हैं, इसलिए जो है पासी समाज थोड़ा बिखरा होता है। पासी समाज खाली सपा में नहीं, वो भाजपा में भी जाता है थोड़ा बहुत, तो ज़्यादातर वो अभी तक जो हत्याएं हुई हैं, 8-8 हत्याएं हुई हैं प्रयागराज में जी, जी। पासी समाज की और खास कर हुई पासी समाज की जी, जी। और जो है पासी समाज भागता इधर उधर जी, पासी समाज वो भागता नहीं, उसको कुछ लोग जैसे गरीब तबके के लोग हैं, उनको एक सहारे की ज़रूरत होती है, कुछ लोग वहाँ पहुँच के उनको प्रलोभन दे के अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग भी इतना सक्षम हैं, अपने समाज के लिए लड़ सकते हैं, किसी से हम लोग दबते नहीं। आप युवा हैं, युवा जो है बहुजन समाज पार्टी युवाओं की 50% भागीदारी दे रही है, क्या कहेंगे जी? 50% नहीं, हरदम देगी, बहुजन समाज पार्टी के साथ रहेंगे। पासी समाज को आप भी पासी हैं जी? जी मैं रवि पासी हूँ जी। पासी हरदम बहुजन समाज पार्टी के साथ है और रहेगा, और हरदम रहेगा। यहाँ पे हवा बना रहे हैं कि पासी समाज जो है गिरीश पासी जी के साथ में है जी, ऐसा कोई कुछ नहीं है। पासी खाली गिरीश पासी तो इधर के हैं नहीं, हमारे इधर के जो हमारे हित के लिए, हमारे शिक्षा के लिए जो भी लड़ेगा उसको मैं वोट देंगे। किसको वोट देंगे आप जी? हम वो सुशील गौतम जी हमारे खड़े हुए हैं बहुजन, तो BSP से हैं जी, BSP से हैं जी, हमारे जो हित के लिए लड़ेगा उसी को वोट देंगे। तो BSP को क्यों वोट देते हैं? हमारे हित के लिए शासन अनुशासन सब कुछ टाइट रहता है BSP सरकार में, इसलिए देते हैं। यहाँ पे देखा कि जैसे कि आप लोगों ने, ये पासी समाज के लोग थे और पासी समाज खास कर जो बहुजन समाज पार्टी के साथ में रहेगा और समाजवादी पार्टी के साथ में नहीं जाएगा। मैं सबसे ज़्यादा ये कहना चाहूँगा, विधानसभा बाबागंज में अब की नीला झंडा लहराएगा और सुशील भाई जीत कराएंगे, इसलिए कि जनसत्ता और ये समाजवादी में दो पार्ट वोटों में हो रहा, बहुजन समाज पार्टी अब की तेज़ी से यहाँ से कई हज़ार वोटों से लीड करेगा, ये मेरा दावा है। चलिए, धन्यवाद।